हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचर दर्पण। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है रात की रानी के बारे, जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि इसमें कितना खाद, कितना पानी और कौन कौन से महीने में ये फ्लावरिंग करती है। यह सारी चीज़ मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले आप मेरे रात रानी के पौधा को देख लें। यह नर्सरी में बहुत ही सस्ती में मिल जाती है। मेरा ये प्लांट 1 साल पुराना है, जो मैं 30 रुपये में नर्सरी से खरीद के लाई थी। रात की रानी का कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग एक पेंसिल नुमा आकार का भी आप ले लें, पतली सी डंठल, तो वो भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। इस प्लांट के गमले की मिट्टी को आप मॉइस्ट रखें, इसकी मिट्टी को कभी सूखने ना दें। हमेशा आप चेक करते रहें कि इसकी मिट्टी हमेशा गीला रहे, गीला भी ना रहे, सूखा भी ना रहे, इस तरह आप इसे चेक करते रहेंगे। अब मैं आपको रात में जो वीडियो ली हूँ वो दिखाती हूँ। ये देखिए, रात के 10 बजे हमारे सारे रात रानी के प्लांट में सारी कलियाँ खिल गई है, ये देखिए। और ये रात में इतनी अच्छी खुशबू देती है कि हमारे घर के आसपास भी जितने घर में है चारों तरफ इसकी खुशबू बिखरते रहती है। इसके पौधे में आप गोबर की खाद 2 बार डालें, एक बार तो आप फरवरी में डालें और 1 नवंबर में डालें। इस और फर्टिलाइजर आप 6-6 महीना में 1 बार इसमें फर्टिलाइजर भी डाल दें। वैसे तो रात की रानी में फ्लावरिंग अक्टूबर महीने में आती है, मगर मेरी जो ये प्लांट है इसमें पूरे साल फूल आते रहती है। पर इसमें ये होता है कि मैं इसमें राख डाल देती हूँ, जो राख गोबर के राख जो जल के तैयार हो जाता है वो मैं इसके गमले के मिट्टी में चारों तरफ डाल देती हूँ। हो सकता है इसी के वजह से ही हमारे प्लांट में फूल आता हो। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें।